पानी नहीं होगा ना, तब इनकी समझ में बात आएगी कि पानी की एक बूंद कोहिनूर के हीरे से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन वो दिन आएगा, कब कब आएगा वो दिन? वो दिन आज ही क्यों ना आ जाए। श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जिनकी समझ में पानी की कीमत ना आए उनके घरों से पानी चला जाए। आज मेरी पेट की ऐसी हालत है कि मुझे नॉनस्टॉप पानी की जरूरत है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं अंधा हो जाऊंगा। नानी प्लीज गिव मी पानी। बिना पानी के टब तो आइसक्रीम के खाली कोन की तरह है। अब पता चला पानी के बगैर कितनी तकलीफ होती है। तुम सबको इस बात का एहसास हो जाए इसीलिए मैंने जादू से पानी को बंद कर दिया। क्या आपने पानी को बंद कर दिया? यस, जिस तरह तुम लोग पानी खर्च कर रहे थे मुझे देखा नहीं गया। पता है पृथ्वी पर सिर्फ 71% पानी है और पीने लायक पानी तो सिर्फ 10%। सासू माँ प्लीज ज्योग्राफी सिखाना बंद करो वरना यहाँ मेरी फिजिक्स खराब हो जाएगी। जो कुछ कहना है ना जल्दी खाओ जल्दी। कोई जल्दी नहीं, आराम से मेरी पूरी बात तुमको आज सुननी पड़ेगी। अगर आज से हमने पानी को संभाल कर खर्च करना शुरू नहीं किया तो 100-200 सालों में पृथ्वी पर पानी रहेगा ही नहीं। लेकिन नानी हम इसकी चिंता क्यों करें, हम 100-200 साल तक थोड़ी जीने वाले। और हमारे रिश्तेदार हमारे आने वाली पीढ़ियां वो तो रहेंगी ना। नानी ठीक कह रही है, साइंटिस्ट ने कहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर और किसी वजह से नहीं लेकिन पानी की वजह से जरूर होगा। अगर अभी इसी वक्त आपने पानी चालू नहीं किया तो मेरा आपसे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम सबको मुझे वादा करना होगा तुम लोग पानी संभाल कर खर्च करोगे, नल बराबर बंद करोगे। नानी हम सब आपको प्रॉमिस करते हैं कि अब से पानी को पैसों की तरह संभाल कर खर्च करेंगे। और दामाद जी आपका क्या ख्याल है? इस वक्त आप अगर मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज पानी जल्दी चालू कीजिए। तो फिर दे दीजिए जान। ओके ओके ओके। श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदली, आगे बोलो प्लीज जल्दी करो। पानी की कीमत समझ में आ जाए, रुका हुआ पानी फिर से आ जाए। अरे बाप, थैंक यू नानी। हमारे घर में पानी आ रहा है? हमारे पड़ोस में सैटेलाइट शांति जो रहती है, न्यूज मिलते ही लाइव टेलीकास्ट कर दिया होगा ना। हमारे घर में तो पीने का भी पानी नहीं है, थोड़ा एक दो टैंकर पानी दीजिए ना। भगवान आपको कभी भी ऐसा नहीं मारेगा। नानी जी, नानी जी, हमें थोड़ा पानी। नानी जी, अगर
आगे मत ले, है? अच्छा नहीं होगा, नीचे गिराकर तुझ पे मैं बैठ जाऊंगी। तब मत कहना कि बुलडोजर के नीचे आ गई। Excuse me, ladies, जरा emergency है, बाजू हटिए, मुझे अंदर जाना है। अजी रुकिए, यहाँ सबको emergency है। क्या? हाँ, देख नहीं रहे हो क्या? अरे पानी के बगैर हम सब मछली की तरह तड़प रहे हैं। अरे तू मछली नहीं, व्हेल मछली है। भाई ये तो सूरज जी का घर है, जाने दे सूरज जी को। सूरज जी जाइए जाइए। प्लीज जरा मेरा हाल समझने की कोशिश कीजिए, इमरजेंसी है। जंबो जेट मेरे पापा का रास्ता रोक रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। श्रृंखला सर्वेलिंग उसको भविष्य वर्तमान बदलिंग, पापा में शक्ति आ जाए, मोटी को दूर फेंक पाए। के सारे बच्चे हमारे घर में आ गए और अब तुम्हारे कमरे की तरफ गए। बहुत नानी, अब पापा क्या करेंगे? बेचारे पापा की हालत तो ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए मरीज से भी ज्यादा खराब है। तुम ये सिचुएशन संभालो, मैं वहां देखती हूँ। सर्वेलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, ये लड़ाई रुक जाए, डिसिप्लिन आ जाए। लाइन में कैसे आ गई? हाय, मैंने अभी अभी की लड़ाई रोक दी, इसी तरह चलता रहा तो मुझे शांति दूध का तो अवार्ड मिल जाएगा। जल्दी किचन चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? गैस लीक हो गई, आग लगी, कॉकरोच दिख गया। नहीं नानी, ये सब तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, चलकर देखिए क्या हो रहा है। जी हाँ, सभी अपनी अपनी धुलाई करने आए हुए हैं। जी हाँ। अब ये क्या धोने आए हैं? अरे अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ फ्रेश होने आए, हमारे घर में पानी खत्म हो गया। लेकिन ये हाँ, मेरे घर पे तो आज पानी की शॉर्टेज की वजह से नाश्ता भी नहीं बना है। मैं जरा आपके टब में एक बबल बाथ लेकर आता हूँ, आप नाश्ता बनाइए। जिया, हमारा घर तो होटल बनता जा रहा है। जिया बेबी, नाउ टेल एवरीवन कि सब लोग साइड में हो जाएं। सबसे पहले मेरा हैंडसम ध्रुव नहाने जाएगा। ये कोई आसमान से टपका है या तो फिर मंगल ग्रह से पानी का सैंपल लेने आया है जो पहले जाएगा? कोई पहले नहीं जाएगा, सब लाइन में जाएंगे। What nonsense! जिया, लगता है इन्हें पता नहीं है कि जो हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम हीरो है। तू चुप कर, वरना एक मुक्का दूंगी और 36 के 36 दांत तोड़ूंगी। Excuse me आंटी, लेकिन आप 36 दांत कैसे तोड़ेंगी? मुंह में तो सिर्फ 32 दांत होते हैं ना। मुझे पता ही था कि तो जरूर बोलेगी, इसलिए मैंने तेरे भी 4 दांत जोड़ दिए। अब तो पानी सर से ऊपर हो रहा है, अर्जेंट फैमिली मीटिंग बुलानी पड़ेगी। राजे कांगड़ो जिया को बुलाओ। हाय, हमारे अच्छे स्वभाव का कितना गलत फायदा उठा रहे हैं सब, हमारा घर तो धोबी घाट बन गया। मिसेस खन्ना, ये आपकी दादागिरी यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ जिया हमारी दोस्त है, इस बाथरूम पे हमारा ज्यादा हक बनता है। ओए जा जा, मुंह धो कर आओ। मुंह धोने तो है, आप जाने दे तो अपना। ओए मेरा कहने का मतलब यहाँ से फुटो, इस बाथरूम पर मेरा हक है, पता ना? मैं नानी की पड़ोसन हूँ, चाहो तो बाथरूम उधार मांग कर ले जाऊँ। ये हमारा एरिया है, यहाँ आने वाला पानी का हर एक बूंद जो है ना, उस पर नाम हमारा लिखा है, समझे? अच्छा, पानी की बूंद पे भी नाम लिखा जा सकता है? अब मैंने तो पहली बार सुना। देखिए, हर रिश्ते में दोस्ती का रिश्ता सबसे ज्यादा होता है। ये बाथरूम हमारा है। हाँ। जा जा, ये बाथरूम हमारा है। ये हमारा है, हमारा है। ये ना बाथरूम हमारा है।
पर ना आपका हक है ना आपका हक है, सिर्फ मेरा हक है। क्या कि इस वक्त मेरे हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। आप लोग हटो प्लीज, जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता ना आप यहाँ से हटिए। अरे जब तक तुम लोग फैसला करोगे मेरा यहाँ पर फैसला हो जाएगा। कमाल है, मेरे ही घर पर मैं रेफ्यूजी बनकर घूम रहा हूँ। लेकिन दामाद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे कमरे में थे ना। हाँ सासुमा, मैं आपके कमरे में गया तो था, लेकिन वहाँ की लाइन ना यहाँ की लाइन से ज्यादा लंबी है। आपकी औरतों ने मुझे पेट में दो चार मारा भी। आज पहली बार आपके जादू के पानी ने हमें सच में डुबो दिया है। सच कह रहे हो दामाद जी, आज पहली बार मेरे जादू ने मुझे परेशान कर दिया। शहर के सारे लोग बाहर आ गए बाल्टी और डिब्बे लेकर। नानी अब क्या होगा? मुझे तो टेंशन हो रहा है, मेरा क्या होगा? यहाँ पर तो कोई चांस नहीं, शायद मेरे कमरे में चांस मिलेगा मुझे। हटो 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 हटो। नानी अब आप ही कुछ कीजिए, वरना यहाँ पर लोग पानी के लिए खून बहा देंगे। ठीक है जी, मुझे सब कुछ रोकना ही होगा। श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए और सब पानी से परेशान हो जाए। फिर मैंने तुम्हारे लिए खास नाश्ता भी बनाया, फ्रेश पिज्जा। नानी कहना, मैंने तो अभी भी मन्नत मानी है कि जब तक पानी नहीं आता ना तब तक मैं बर्गर पिज्जा वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा। ओके बाय जिया। अरे पिज्जा तुम तो रुको। अब जिया वो क्या है ना, राजा पहले ही मुझसे दूर भागता है, अगर मेरे चेहरे को कुछ हो गया तो मेरे तो प्यार की गाड़ी शुरू होने से पहले ही रुक जाएगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हां बाय सासुमा। सासुमा क्या हुआ दामाद जी, तूफान तो चला गया, आप क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तूफान कहां गया सासुमा, तूफान तो अब तक यही है। यही है मतलब? यही है मेरे पेट में तूफान। पेट में? हाँ सासुमा प्लीज आप जल्दी से पानी को नॉर्मल कर दो प्लीज। नो वे, पानी तो नॉर्मल ही होता है, तुम नॉर्मल नहीं हो। ओके मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मुबारक हो जिया, पापा ने तुम्हारे कबूल किया कि ही इज अब नॉर्मल। सासुमा प्लीज। अच्छा तो प्यार से रिक्वेस्ट करो। सासुमा ऐसी हालत में प्यार से रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता, आप जल्दी से पानी को ठीक कर दो वरना आपको ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। ओ, ओ दुश्मनी की बात कर रहे हो मुझसे? जी आपके साथ ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। वेरी गुड, जरा और मक्खन लगा और प्यार से कहो। सासुमा प्लीज 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 सासुमा पानी जल्दी से ठीक कर दो मेरी प्यारी सासुमा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। सो श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, सबके समझ में पानी का मोल आए और दामाद जी का पेट ठीक हो जाए। यस सो मेरा पेट ठीक हो गया क्योंकि मैंने जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ओह थैंक यू सो मच सासुमा। लेकिन सासुमा अगर आप ये पहले कर सकती थी तो पहले आपने किया क्यों नहीं? आपने मुझे सारा दिन तड़पाया क्यों? फिर से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो मुझसे, दर्द फिर शुरू हो जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था सासुमा। आप तो ग्रेट सासुमा हो, आपको तो बेस्ट सासुमा का अवार्ड मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। वैसे आज बड़ा मजा आया, धमाल तो हुआ लेकिन सबकी समझ में ये बात आ गई कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। यस सासुमा। हाँ लेकिन नानी
आज सारे प्रॉब्लम के पीछे तो वो मैजिकल वाटर है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उस मैजिकल वाटर को ही ठीक कर देती हूँ। श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जादू भरा पानी चला जाए, नॉर्मल पानी वापस आ जाए। नानी, आज पहली बार मेरा जादू मिसफायर नहीं हुआ। एक ही दिन में मुझे कितने सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन था कि कोई ना कोई दिन मेरी जिया वो फिर परी बन के दिखाएगी। थैंक यू नानी।